गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल रीड रेस्ट ऑफ द चैप्टर 10। वी वर एट पेज 60। क्वीन एने व्हाट एन आइडिया, बट एनी हाउ देर इज नथिंग डेंजरस अबाउट हर, सी इज सच अ कलरलेस पर्सनैलिटी। क्वीन एने अजीब विचार उसने पाल रखे हैं, बट एनी हाउ देर इज नथिंग डेंजरस अबाउट हर, सी इज सच ए कलरलेस पर्सनैलिटी। लेकिन ऐसा कोई खतरनाक उसके उसमें उसके व्यक्तित्व में तो नहीं है, वो बहुत ही नीरस व्यक्तित्व थी। द ओनली थिंग दैट आई कैन रिमेंबर अबाउट हर इज द सेइंग क्वीन एन इज डेड। उसके बारे में बस मैं एक ही बात जानती हूँ जो कि कहावत है, क्वीन एन इज डेड। एग्जैक्टली सेड क्लोविस, डेड, निश्चित रूप से क्लोविस कहता है डेड, और यही शब्द जो है वही मायने रखता है। डू यू मीन ही टेक्स मी फॉर द घोस्ट ऑफ क्वीन एने, आस्क जेन। तब जेन पूछती है, क्या तुम्हें तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे क्वीन एने का घोस्ट मानता है। घोस्ट, डियर नो, नहीं नहीं घोस्ट नहीं मानता। नो वन एवर हर्ड ऑफ ए घोस्ट बींग सो वेरी मच अलाइव एंड फ्लोरिशिंग। किसी ने भी ऐसे घोस्ट को, ऐसे प्रेत भूत को नहीं देखा होगा जो इतना जीवंत होगा। ऑल हिज लाइफ ही हैज़ बीन accustomed to look on Queen Anne as the personification of everything that is dead and done with as dead as Queen Anne। पूरे जीवन उसने इस कहावत को बार बार सुना है। जब किसी व्यक्ति के बारे में, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल नीरस रहता है या कोई व्यक्ति मरा होता है, बिल्कुल शांत होता है, तो उसके बारे में ये कहावत वो बार बार सुनता आया है कि वह व्यक्ति जो है वो as dead as Queen Anne है ना, यू नो। एंड नाउ ही हैज़ टू लिसन टू योर टॉक्स ऑफ द मेडी टाइम यू हैड एट द डब्लिन हॉर्स शो, एंड नेचुरली ही फील्स दैट समथिंग इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग विद यू। और अब आजकल वो आपके उन क्षणों के बारे में अक्सर सुनता रहता है जो आप डब्लिन में आपने हॉर्स शो के बारे में वो आप किससे बताती हैं, है ना। और यही सुनकर उसे लगता है कि ये सब बकवास बात है, और कुछ लगता है उसे लगता है कि आप कुछ गड़बड़ है आपके साथ। बट ही वुडंट बी हॉस्टाइल टू मी ऑन दैट अकाउंट वुड ही जेन आस्क्ड एंग्जियसली। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे ऊपर आक्रामक हो जाएगा ये सोच करके, जेन आस्क्ड चिंतित होकर पूछती है। आई डिडंट गेट रियली अलार्म्ड अबाउट इट टिल लंच टूडे। मैं इतना चौकन्ना नहीं था अभी तक, मतलब अभी लंच, आज लंच से पहले तक इतना चौकन्ना नहीं था, सेट क्लोविस। क्लोविस कहता है, आई कॉट हिम ग्लोरिंग एट यू एंड मटरिंग। मैंने आपको, आपकी तरफ उसे घूर कर देखते हुए और बड़बड़ाते हुए सुना। ऑट टू बी डेड लॉन्ग एगो, दैट इज वाई आई मैंसन्ड द मैटर टू यू। और वो कह रहा था कि आपको तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था, इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई। दिस इज awful, said जेन। योर मदर मस्ट बी टोल्ड अबाउट इट एट वंस। बड़ी विचित्र बात है, तुम्हारी माँ को ये बात मालूम होनी चाहिए। माई मदर मस्ट नॉट हियर ए वर्ड अबाउट इट, मेरी माँ तो उसके बारे में एक बात भी नहीं सुनेगी, said क्लोविस earnestly। क्लोविस ने कहा, इट वुड अपसेट हर ड्रेडफुल्ली, है ना, उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। सी रिलाइज ऑन स्टेज फॉर एवरीथिंग, वो स्टेज पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। बट ही माइट किल मी एट एनी मोमेंट, प्रोटेस्टेड जेन। लेकिन वो तो मुझे कभी भी मार सकता है, जेन ने बीच में ही टोका। नॉट एट एनी मोमेंट, ही इज बिजी विद द सिल्वर ऑल द आफ्टरनून। हमेशा तो नहीं मार सकता है, किसी समय तो नहीं मार सकता है, क्योंकि पूरे दोपहर तो वो चांदी के बर्तनों को और कटलरीज को धोने में लगा रहता है। यू विल हैव टू कीप अ शार्प लुक आउट ऑल द टाइम एंड बी ऑन योर गार्ड, सेड जेन। तो एक काम करना, तुम उस पर कड़ी नज़र रखना। इट इज़ अ ड्रेडफुल सिचुएशन टू बी इन विद अ मैड बटलर अराउंड यू। बड़ी ही खतरनाक स्थिति है कि एक नौकर जो है वो पागल है और वो हमारे आसपास है। बट आई एम सर्टेनली नॉट गोइंग टू कट माई विजिट शॉर्ट, लेकिन मैं अभी जाऊँगी नहीं। इट वॉज इन द हॉल द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर ए लेट ब्रेकफास्ट दैट क्लोविस हैड हिज फाइनल इंस्पिरेशन एज ही स्टूड रिमूविंग रस्ट स्पॉट्स फ्रॉम एंड ओल्ड पटर। अब अगले ही दिन सुबह की बात है, जब उस दिन सुबह में ब्रेकफास्ट लोगों ने लेट से किया, उसके बाद क्लोविस अपने काम को अंजाम देने में लग गया, और वो गोल्फ के स्टिक पर से वो जंग छुड़ा रहा था। वेयर इज मिस मार्टलेट, ही आस्क्ड स्टडीज, उसने स्टडीज से पूछा, मिस मार्टलेट कहाँ है। हु वॉज एट दैट मोमेंट क्रॉसिंग द हॉल, और स्टडीज उस समय
उस हॉल से होकर गुजर रहा था, उसी समय उसने मार्टलेट के बारे में पूछा। राइटिंग लेटर्स इन द मॉर्निंग रूम सर, सेड स्टडीज। स्टडीज ने जवाब दिया कि वो अपने मॉर्निंग रूम में पत्र लिख रही हैं। शी वॉन्ट्स टू कॉपी द इंस्क्रिप्शन ऑन दैट ओल्ड बास्केट हिल्टेड सेवर, सेड क्लोविस। वो उस तलवार जो लगा लटकी हुई है उस पर जो लिखा हुआ है उसको वो कॉपी करना चाहती हैं, क्लोविस ने कहा। पॉइंटिंग टू द सोर्ड हैंगिंग ऑन द वॉल, जो तलवार उस तलवार की तरफ इशारा करते हुए क्लोविस ने कहा, जो तलवार दीवार पर लटकी हुई थी। आई विश यू वुड टेक इट टू हर, मैं चाहता हूँ कि ये तलवार तुम उसके पास ले जाओ। माई हैंड्स आर ऑल ओवर इन ऑयल, मेरे हाथ में तेल लगे हैं। टेक इट विदाउट द सीथ, इट विल बी लेस ट्रेवल, और बिना मयान के ही ले जाना क्योंकि ऐसे भारी हो जाता है। द बटलर ड्रीव द सोर्ड एंड कैरेड इट इन टू द मॉर्निंग रूम, बटलर ने तलवार उठाया और वो लेकर उनके मार्टलेट के कमरे की तरफ चला। देर वॉज अ डोर नियर द राइटिंग टेबल लीडिंग टू अ बैक स्टेयर वे, जिस टेबल पर बैठ करके मिस मार्टलेट लिख रही थी उसी के नज़दीक एक दरवाज़ा था जो सीढ़ियों की तरफ निकलता था। जिन वैनिश्ड थ्रू इट विद सच लाइटनिंग रैपिडिटी दैट द बटलर डाउटेड वेदर सी हैड सीन हिम कम इन। अब वो मिस मार्टलेट ने शायद उसे देख लिया था, वो भी हाथ में तलवार लिए तो वो बहुत तेज़ी के साथ उसी सीढ़ी से होकर निकल गई। अब नौकर को ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने मुझे नहीं देखा है। हाफ एन आवर लेटर क्लोविस वॉज ड्राइविंग जेन मार्टलेट एंड हर हैस्टिली पैक्ड लगेज टू द स्टेशन, और आधे घंटे में ही क्लोविस मिस मार्टलेट को लेकर स्टेशन की तरफ जा रहा था कार में बैठा कर। मदर विल बी ऑफुली वेक्ड वेन शी फाइंड्स यू हैव गॉन, माँ बहुत परेशान हो जाएगी जब उन्हें मालूम चलेगा कि आप जा चुकी हैं, ही ऑब्जर्व टू द डिपार्टिंग गेस्ट, और उसने यह शब्द कहकर उनकी तरफ ध्यान दिया। बट आई विल मेक अप सम माई स्टोरी अबाउट एन अर्जेंट वायर हैविंग कॉल्ड यू अवे, लेकिन मैं उनके सामने कोई कहानी बना दूंगा कि एक तार आ गया था और आपको बुलाया गया था इसलिए आप जा चली गई हैं। नो नीड टू अलार्म हर अननेसेसरीली अबाउट स्टडीज, अब आप उनको फ़ोन करके स्टडीज के बारे में कुछ बताइएगा नहीं। जेन स्निफ्ड स्लाइटली एट क्लोविस आइडियाज ऑफ अननेसेसरी अलार्म, लेकिन जेन को लगता है कुछ संदेह हो गया है ना, कि उन्हें लगता था कि क्लोविस ने कुछ प्लान कर रखा था। However, Clovis' effort proved useless as Dora wrote the same day that she was postponing her visit. लेकिन क्लोविस के ये सारे प्रयास विफल रह गए क्योंकि उसी दिन डोरा का पत्र आया जिसमें उसने लिखा था कि वो अपनी यात्रा को स्थगित कर रही है। That is okay. Have a nice day.